आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। राधा कुइनूर है, मैं पटना से हूँ और ये मेरी फर्स्ट मूवी है। और मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया था, मतलब पागल जवाली और ब्लैक मैजिक के ऊपर जो था मैंने कभी नहीं किया था, और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंज है इस मूवी के लिए। और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में? मेरा किरदार बहुत ही सिंपल है लेकिन स्ट्रांग है, सिंपल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं बोलूँगी कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि हम कभी भी भगवान को नहीं मानते, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर देखें और भरोसा रखें, सच में होता है। सॉरी, मैं 100% करती हूँ, भगवान है तो हम हैं। ये फिल्म का सब्जेक्ट एक्चुअली how to explain it's like ये एक्चुअली बेसिकली एक फैमिली ड्रामा है कमर्शियली, एंड उसमें सुपर नेचुरल पावर को लेकर हम लोगों ने कि जहाँ पे कोई किसी का बुरा करता है तो उसका अच्छा भी होता है, तो किसी का बुरा नहीं करो तो आपका बुरा नहीं होगा। और यहाँ पर ये है कि सुपर पावर्स के सामने मतलब जो लोग गलत करते हैं, मीन्स मैंने देखा बहुत सारे लोग कुछ गलत काम करते हैं, मंदिरों मस्जिदों में तांत्रिकों के पास जाते हैं, ये है वो है, दुनिया भर के गलत काम करते हैं, उसके ऊपर लेकर कि ये सब करना गलत है। जैसे हम कई जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए तंत्र विधियों पर जाते हैं, लोग तांत्रिक का उपयोग करते हैं और ज़िंदगी कई लोगों की बर्बाद करते हैं, लेकिन सैलानी बाबा के वहाँ पर एक ऐसा पावर है जहाँ पर ये करनियाँ सब ख़त्म की जाती हैं। तो हमने यही दिखाया है कि कभी किसी का बुरा मत करो, अगर किसी का बुरा करते हो तो पहले आपका बुरा होता है। और सैलानी बाबा की मज़ार पे ये चीज़ होती है कि जो भी भूत प्रेत और ये जो तंत्र विद्या होती है वहाँ पे निकाली जाती है। आप स्वयं कितना मानते हैं इस बात में? बेसिकली मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, पहले तो बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं बुल्ढाना सैलानी गाँव गया, महाराष्ट्र के अंदर आता है बुल्ढाना सैलानी गाँव, तो मुझे खुद महसूस हुआ एक पावर को और मैंने खुद अपनाया इस पावर को, मुझे भी ये स्पिरिचुअल पावर का एहसास हुआ। एंड आई बिलीव कि पावर होता है, एक शक्ति होती है। कलाकार हर फिल्म को लेके मेहनत तो करता ही है, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो मेहनत नहीं करता है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इस मूवी में जो बताया गया है, डायरेक्टर साहब ने आपको बताया कि इस मूवी का ये जो तांत्रिक है, लोगों को क्या क्या परेशानी होती है ज़िंदगी में, क्या क्या तकलीफें होती है, तो इस देश का एक तिहाई जो आदमी है वो इस प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, उसमें से उनको निकालने के लिए हमने स्पिरिचुअल पावर का जो एक्सपीरियंस जो अनुभव खुद किया, तो हम मतलब डायरेक्टर साहब हमारी एक टीम ने ऐसा सोचा कि ये पूरी दुनिया को दिखाया जाए और उनको भी जो प्रॉब्लम में कई फंसे हैं वो भी उन प्रॉब्लम में से निकल सके, तो इस टाइप की पिक्चर हमने बनाई है। आज का मेरा नाम आस्का है और मैं काफ़ी पहले तो मूवी कर चुकी हूँ, पर जो ये मूवी मैंने की पहले तो मैं भी मतलब ब्लैक मैजिक में मान नहीं रही थी पहले तो, पर जब यह साइनिंग किया वगैरह, फिर हम गए बुल्ढाना तो वहाँ जाके मुझे भी मतलब महसूस हुआ ऐसा कि नहीं ऐसा कुछ है, तो
पहले तो एग्जांपल तो मैं जीता जाता हूँ खुद की, मैं भी बीमार पड़ गई थी खुद, पर डॉक्टर ने भी बोला था कि कुछ जल्दी ठीक नहीं होगी ये है, पर मैं जब शूट पे गई बुलडाना तो सैलानी बाबा के वहाँ गई तो मुझे महसूस हुआ और वहाँ पे श्रद्धा मेरी जागी तो इसलिए मैं ठीक भी हो गई। हाय, मेरा नाम हिया सिंह है एंड मैं इस लाइन में काफ़ी दिन से हूँ। मैंने बहुत सारी फिल्में की है लेकिन जो इस फिल्म का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इट्स माइंड ब्लोइंग। इसमें मेरा करेक्टर कैसा है कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ बहुत ही पावरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल और मिस इंडिया टाइप का मेरा करेक्टर है इसमें। अच्छा, और इसमें मैंने एक मनी लेंडर बादशाह खान साहब का कैरेक्टर किया जो एक मनी लेंडर है। डायलॉग रेंगा 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 रेंगा। ये जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी, जो स्टार्ट से मेरे को ये रोल करने के लिए बहुत ही मेहनत किया, उन्होंने मुझे इतना इन्वॉल्व किया इस रोल के लिए। मैंने काफ़ी फिल्में देखी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, रजा मुराद। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो जब भी ये फिल्में बनी थी तभी एनिमेशन, ये म्यूजिक और ये जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा नहीं थे,